स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन म्यूजिक सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम जैसे कि मैं अपने कार का अपग्रेड किया हूं और कैसा रिस्पांस है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारे चीज मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और अनबॉक्सिंग भी किया हूं। देख लीजिएगा आपको कैसा है और मैं इसका रिस्पांस कैसा है, आप अपने गाड़ी के लिए आपको लेना चाहिए कि नहीं, सारे चीज मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। टेस्ट वगैरह करके देखा उसके बाद ये वीडियो आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप नॉर्मल बोरिंग म्यूजिक सिस्टम से एक टच स्क्रीन में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो कैसा रहेगा या आपके लाइक है कि नहीं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। मैं इंस्टॉल भी कर चुका हूं तो वो इसका रिस्पांस तो मैं आपको दिखाई दूंगा। पहले आप इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह सब देख सकते हैं। इसमें सारा कंप्लीट एक म्यूजिक सिस्टम में जो जो आपको रिक्वायर रहता है सारा चीज आपको मिल जाएगा इस मॉडल में। तो काफी मेरे को पसंद आया ये मॉडल और इसलिए मैं इसको परचेस किया हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें डीवीडी भी साथ में दिया हुआ है। हालांकि आजकल कोई यूज तो करते नहीं है, सीडी डीवीडी का जमाना गया, लेकिन इसमें कंपनी फिटेड ही मिल गया। तो चलिए अब मिल गया तो मिल गया। इसका फीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसको। साथ में इसमें रिमोट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा और काफी रिस्पांस मेरे को अच्छा लगा इसका। और मैं अभी आपको प्लेयर ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका रिस्पांस कैसा है लगने के बाद। काफी मतलब इसमें मैं बताना चाहूंगा कम से कम 2-2.5 घंटा इसमें मेरे को वायरिंग करने में लग गया। हालांकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था लेकिन इतना सारा इसमें वायर दिया हुआ है, कम से कम 20 से 22 वायर इसमें दिया हुआ है जो कि देखना पड़ता था कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो जैसे ही आप चलिए इसको ऑन करते हैं, जैसे ही मैं की ऑन करूंगा तो कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ऐसा आपको वेलकम लाइट देखने को मिल जाएगा हमान का। फिर उसके बाद एक चीज और इसमें देखने को मिल जाता है, इसमें एक फैन दिया हुआ है कूलिंग, जैसे इसमें कूलिंग का एक फैन दिया हुआ है जिसका आपको साउंड हो सकता है हल्का सहारा हो, तो ये अच्छा लगा। इसमें बैक साइड में फैन भी दिया हुआ है जिससे आप कहीं लंबे दूरी पे जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में भी तो भी इसमें आपका म्यूजिक सिस्टम हीट नहीं होगा, तो ये भी मेरे को सही लगा। और टच रिस्पांस की बात करूं तो टच रिस्पांस तो मेरे को इसका काफी सही लगा रिस्पांस, और लैग बिल्कुल नहीं कर रहा है अभी। जैसे साउंड वगैरह का भी मैं यहाँ पर देख रहा था, लैग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है इसमें, काफी रिस्पॉन्सिव है इसका टच मेरे को लगा। और बात करें कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल थम्स अप है, लेना चाहिए। आप अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें जा सकते हैं, काफी अच्छा है हमान का। मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा मेरे को। जीपीएस वगैरह भी दिया हुआ है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अलग से इसका जीपीएस के लिए एक वायर दिया गया है, एंटीना कहना चाहिए। तो ये
काफी अच्छा प्रोडक्ट मेरे को लगा हमान के साइट से, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो। बाकी टच रिस्पांस वगैरह तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें मेरे को एक चीज की कमी महसूस हो रही है यहाँ पर। जैसे कि आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अगर साउंड कम ज्यादा करना है तो वो जो नॉब वाला रहता है वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे करके प्रॉब्लम होगा अगर साउंड कम ज्यादा करना है। जैसा कि मारुति की गाड़ी में भी ऐसे ही रहता है, बलेनो वगैरह में भी आप जाएंगे तो उसमें भी कोई नॉब वगैरह नहीं दिया रहता, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन इसमें भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रहेगा ही। अगर एक नॉब दे दिया जाता यहाँ पर नोजल टाइप से तो वो ज्यादा सही रहता इसमें। साउंड क्वालिटी मतलब जो इसमें लगा हुआ था उससे बेहतर ही मेरे को देखने को मिला। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता तो मैं आपको बिल्कुल बता देता कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को सच में इसका साउंड रिस्पॉन्स अच्छा लगा और टच भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा टच इसका रिस्पॉन्स होगा। और आगे चल के कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं तो आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। तो अभी तक वीडियो अगर आपको काम का लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी टाइप का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेगा। धन्यवाद।